सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यही सिद्धांत लागू होता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी तपस्या पर भी देश पर आए इस कोरोना संकट को देखिए, भारत के प्रति पीएम मोदी के समर्पण को देखिए, और फिर ऐसे विषम हालात में भी अपनी अर्थव्यवस्था को देखिए। कबीर के दोहे के कई और आयाम भी चरितार्थ होते नजर आएंगे। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे मुश्किल दौर में भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा होगा? 1 मई को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 16.22 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब 481.078 अरब डॉलर हो गया है। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 1.75 डॉलर बढ़ी हैं और 443.31 अरब डॉलर पर पहुंच गई हैं। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया संकट में है और भारत में ये सब कैसे हो पा रहा है? सिर्फ मोदी सरकार की नीतियों की वजह से और पीएम मोदी के देश के प्रति समर्पण की वजह से।